स्टेज जब हम कैश फ्लो की बात करते हैं, सबसे पहले आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पे बेसिकली दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास होता है जिसको हम नाम देते हैं इनकम स्टेटमेंट का नाम हम देते हैं। इनकम स्टेटमेंट के बाद दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप वाकिफ हैं, उसका नाम होता है बैलेंस शीट। लेकिन यहीं पर आपको मालूम होना चाहिए कि ये दूसरा नहीं, ये तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्योंकि इनके दरमियान में जब कॉरपोरेशन की स्टेटमेंट बनती है तो एक बीच में स्टेटमेंट बनता है जिसको कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, कि कितना पैसा कहां से हासिल हुआ और कहां वो पैसा इस्तेमाल हुआ। समझ गए, प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट कितना इस्तेमाल हुआ। अगर थोड़ा सा रिकॉल करो तो जो अगर इंटर कॉमर्स जिन लोगों का है, उन लोगों ने इस स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग को बनाना आप लोगों ने सीखा होगा। और अगर नहीं तो अभी थोड़ा सा हम यहां पले पढ़ लेंगे, मगर ये मालूम होना चाहिए कि ये तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेन होते हैं। दो बेसिक है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, लेकिन इन दोनों के दरमियान लिंक है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन। आज के बाद लेकिन याद रखना कि अगर कभी भी बात हो रही हो किसकी, कॉरपोरेशन की यानी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में हमेशा इन तीनों के बाद एक चौथा स्टेटमेंट बनता है जिसको कहा जाता है कौन सा स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बुनियादी तौर पे कैश फ्लो स्टेटमेंट की जब बात होती है या हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को कहते हैं, तो हमें एक बात ये समझ लेना जरूरी है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश की इनकमिंग और कैश की आउटगोइंग जाहिर करता है। या दूसरे लफ्जों में यूं समझ लो कि आखिर पहले क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता था, तो सवाल का जवाब यह है कि नहीं, पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनता था। लेकिन हुआ कि एक है, जब प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाया जाता है या इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है, तो इनकम स्टेटमेंट के बारे में जहन में रखिए कि इनकम स्टेटमेंट किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस तो बता रहा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक बिजनेस के अंदर अगर प्रॉफिट है तो उसकी बैलेंस शीट में इतना इनफ कैश होगा। यानी अगर किसी की इनकम स्टेटमेंट में 1 लाख का प्रॉफिट है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसकी बैलेंस शीट में 1 लाख का क्या होगा, कैश होगा। क्यों भाई, क्यों जरूरी नहीं है कि कैश होगा? इसकी वजह यह है कि बेसिकली हमारी जो स्टेटमेंट्स बनती हैं, इनकम स्टेटमेंट, वो बनती है अक्रूअल बेसिस पे बनती है। अक्रूअल बेसिस का मतलब हम जब सेल करते हैं तो किस पे करते हैं, कैश पे भी करते हैं और क्रेडिट पे भी करते हैं। दोनों सेल्स बुक्स में क्या होती हैं, रिकॉर्ड हो जाती हैं। कैश वाला सेल तो पैसा आ गया, लेकिन क्रेडिट वाले सेल का पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ। इसी तरह परचेजेस या एक्सपेंसेस जब करते हैं वो भी क्या करते हैं, परचेज कैश पे भी करते हैं, क्रेडिट पे भी करते हैं, सैलरीज पेबल भी रिकॉर्ड करते हैं, रेंट पेबल भी रिकॉर्ड करते हैं। यानी हमारे इनकम स्टेटमेंट में तमाम रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस जब रिकॉर्ड होते हैं तो उनका बुनियादी ताल्लुक इस बात से नहीं होता कि पैसा आया या नहीं आया, बल्कि इस बात से होता है कि वो इस पीरियड से बिलोंग करते हैं या नहीं करते। तो प्रॉफिट और लॉस का या प्रॉफिट का होना इस बात की निशानी नहीं है कि कंपनी के पास कैश मौजूद है या नहीं। कैश का मौजूद होना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया की हर लायबिलिटी अल्टीमेट सेटल किस सूरत में हो रही होती है, कैश की सूरत में। तो हम एक ऐसा स्टेटमेंट बनाते हैं जो क्या बताता है कि किस तरह से कैश आया और किस तरह से कैश गया। इसी हवाले से एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। अब चूंकि एक बिल्ट इन फॉर्मेट मेरे पास इसमें मौजूद था, मैं उसको आपके सामने रख रहा हूं। इस तरह से कैश फ्लो बनाते हैं, दो तरह से कैश फ्लो का एक फॉर्मेट है। एक पिछले पेज पर है जिसको हम ये कहते हैं, ये फॉर्मेट ये कहलाता है डायरेक्ट फॉर्मेट, ठीक है। अब मैं समझाता हूं क्या, लेकिन इसको इस्तेमाल हम डायरेक्ट मेथड को कम करते हैं, सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं इस मेथड को जो कि इनडायरेक्ट मेथड है। ये मेरी वेबसाइट पर भी इसका फॉर्मेट मौजूद है, यहां भी आपको दे रहा हूं। बस अभी चूंकि सब बात कर रहा था तो साथ साथ समझा रहा हूं। ये एक पूरा फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का कि किस तरह से कैश फ्लो बनाया जाता है। बुनियादी तौर पे जब कैश फ्लो बनाया जाता है तो उसमें याद रखो कि तीन हिस्से होते हैं। एक है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा कहलाता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये तीन हिस्सों में कैश फ्लो क्या होता है, डिवाइडेड होता है। अब अगर मैं एक सवाल के थ्रू तुम्हें दिखाऊं तो देखो, मिसाल के तौर पे हमेशा जब सवाल यहां पर आएगा
तो बुनियादी तौर पे आपके पास ये चीज होगी कि दो एयर होंगे। अब इस वक्त देखो एक एयर वन है, एक एयर टू है, एक एयर वन है और एक एयर टू है। आप ये चीज नोट कीजिए कि एयर वन में कैश कितना था 4000 और एयर टू में कैश कितना मौजूद है 5000। यानी कैश 4000 से बढ़कर कितने पे चला गया 5000 पे। यही चीज को लेकर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ये अगले पेज पे अगर चाहे कैश फ्लो का स्टेटमेंट सॉल्व हुआ है आपको एक चीज दिखा देता हूं कि देखिए सबसे पहले आपके पास यहां पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, मैं भी समझाता हूं कि ये कैसे बनी, फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल। लेकिन अगर तुम इन सब को चेक करो तो देखो आखिर में कितना आ रहा है, इंक्रीज इन नेट कैश फॉर द पीरियड कितना नजर आ रहा है, ये वही 1000 है जो 5000 और 4000 का फर्क था कि 4000 से बढ़ के 5000 हो गया था। तो हमेशा ये है इसका मेन चीज और इसको बस ये बाकी प्रेजेंटेशन है कि उस 1000 में ओपनिंग 4000 को प्लस करके एंडिंग बैलेंस पहुंच गया किस पर 5000 पे। तो मुझे और आपने बैठ के सीखना है कि आखिर हम किन किन चीजों को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मिलेंगे, किन किन चीजों को कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मिलेंगे और किन किन चीजों को हम कैश अगेंस्ट फाइनेंशियल एक्टिविटी मिलेंगे। बोलिए आ रही है बात समझ में? अच्छा अब सवाल आपके सामने मौजूद है, ये मैं इसे सामने रखता हूं, एक पिक्चर भी हम इसकी ले लेना ताकि इस पर फिक्स हो जाए। अब हम इसको बनाने के लिए अगर जाते हैं कैश फ्लो की तरफ तो सबसे पहला काम, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि कंपनी का नाम लिखेंगे आप, सेकंड लाइन में आप जो बना रहे होते हैं उसका नाम लिखते हैं, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। थर्ड लाइन में आएगा हमेशा फॉर द पीरियड एंडेड और वो लास्ट ईयर होगा। अगर अभी फिलहाल देखा जाए तो ईयर टू है तो हम लिखेंगे December 31st ईयर टू, ठीक है। वरना अगर आप दो साल पे काम कर रहे हैं, फर्स्ट जॉब का पेपर आता है तो आपके पास आएगा 1920 तो आप कब बनाएंगे 20 को बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा सबसे पहला आइटम यहां पर आप ये लिखेंगे जिसका हेडिंग बनेगी क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब पता है क्या, बिजनेस एक्टिविटी। यानी ये कहना चाहते हैं हम लोग कि हमने बिजनेस से कितना कैश एक्सट्रैक्ट किया, कितना कमाया, बिजनेस से कितना कमाया। हमेशा जब इसका आगाज होगा तो सबसे पहला आगाज होगा इसका किससे, नेट इनकम से आगाज होगा, ठीक है। अब अगर आप इस सवाल में नोट करें तो इसमें एक अदद इनकम स्टेटमेंट बना के दिया हुआ है जिसमें नेट इनकम इसमें लिखा है, इसने कितना लिखा है 5000। लेकिन वो 5000 से पहले अगर आप देखेंगे तो इन्होंने क्या पे किया था, 10000 का टैक्स पे किया था। ऊपर कितना मौजूद है आपके पास 15000 का प्रॉफिट मौजूद है, नेट इनकम मौजूद बिफोर टैक्स, ठीक है ना, बिफोर टैक्स मौजूद है जी। अच्छा अब इसमें थोड़ा सा इन्होंने सवालात को करते हुए थोड़ा सा ये आगे पीछे करते हैं, लेकिन अगर हम आपको समझाएं कि इसको अगर नेट प्रॉफिट या इसमें आता तो सबसे पहली चीज जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है नेट इनकम। होता है क्या है कि टैक्स अगर है तो हम फौरी तौर पर टैक्स को क्या करते हैं, एक मिनट को पॉज कीजिएगा। अच्छा अब मैंने क्वेश्चन चेंज किया है, उसकी वजह यह है कि मैं वो क्वेश्चन इस वक्त लेके जा रहा हूं जो एक सादा सा और आसान सा क्वेश्चन है उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ठीक है जी। अब ये मैंने इस वक्त जो क्वेश्चन है ये 2015 प्राइवेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 इसको लेकर चल रहा हूं। आप इसमें भी देख सकते हैं कि हमारे पास ये कैश का 2014 में 22000 है और इसमें कितना है 68000 है। कैलकुलेटर हाथ में रखिएगा। अब सबसे पहला स्टार्टिंग होता है नेट इनकम। नेट इनकम निकालने के लिए सबसे पहले अगर आपको दिया हुआ हो तब तो ठीक है, वरना आप एक कदर कंपटीशन करते हैं, कंपटीशन फॉर रिटेन कंपटीशन फॉर नेट इनकम या नेट प्रॉफिट के नाम से, उसमें आप एक अदद टी अकाउंट बनाते हैं किसका, रिटेन अर्निंग का। आपको मालूम है ना रिटेन अर्निंग एक ऐसा अकाउंट है जिसमें सारा बिजनेस अपना प्रॉफिट क्या करता है, संभाल के रखता है। नेक्स्ट पेज पर अगर आप जाइएगा तो देखिए कि रिटेन अर्निंग में ओपनिंग बैलेंस कितना है 5,55,000 और एंडिंग कितना है 5,97,000 नजर आ रहा है। एक मिनट को मजीद पीछे आते हैं, जरा देखिए पहले 2014 है फिर 2015 है, इसका मतलब है ये वाला साल 14 है और ये 15 है ओपनिंग और बैंडिंग के लिए। अभी देखिए यहाँ पे क्रेडिट साइड में बैलेंस BD प्लेस करूंगा कितना 5,55,000। इधर मैं एंडिंग बैलेंस क्लोज करूंगा कितना 5,97,000। ये मैंने कुछ नहीं किया, बैलेंस शीट उतार के रख दिया।
इसी के बाद इस तरफ लिखूंगा कैश डिविडेंड। अब इसको मैं आपको पूरी एंट्री भी समझाऊंगा, लेकिन अभी आप इसको सिर्फ लॉजिकल में समझिए कि ये कर रहे हैं। इन दोनों का अब हम टोटल करेंगे और इस तरफ जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट। क्योंकि असल में हुआ क्या, अभी पहले निकाल लेते हैं, बल्कि कितना था कैश डिविडेंड सवाल के आखिर में देखिए। कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड होगा 39,000। उठाइए कैलकुलेटर, 597 में 39,000 ऐड कर दीजिए, पूरा मत लिखिएगा, सिर्फ 597 और 39। 636। इधर भी कितना होगा, 636। तो जो डिफरेंस है वो हम यहां लिख के माइनस करेंगे, यानी 81,000। इसका क्या मतलब हो जानते हो, पहले से प्रॉफिट कितना था, 5,55,000, 81,000 का प्रॉफिट हुआ, जिसमें से कैश डिविडेंड बांटा इतना, तो बचा कितना, इतना बचा। लेकिन हमने अब रिवर्स कैलकुलेट करके ये निकाला और यहां ले जाके हम नेट इनकम लिख देंगे कितना, 81,000। ठीक है, याद रखना स्टेप्स बहुत से आ रहेंगे, लेकिन अभी जो सिखा रहा हूं वो। अब नेट इनकम में सबसे पहली चीज जो आप ऐड करेंगे वो ऐड करेंगे, कहते हैं हम उसको नॉन कैश आइटम डेप्रिसिएशन। अब आप पहले सोचें कि नॉन कैश क्यों कहा गया डेप्रिसिएशन को। सबसे पहले ये जहन में रखिए कि देखिए डेप्रिसिएशन हमारे प्रॉफिट को कम करता है। इनकम स्टेटमेंट में जहां सैलरीज एक्सपेंस आता है, रेंट एक्सपेंस आता है, इंश्योरेंस एक्सपेंस आता है, वहां पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता है, जिसने आने के बाद हमारे प्रॉफिट को क्या करना होता है, डिक्रीज करना होता है। लेकिन सैलरीज पे होती है, इंश्योरेंस पे होता है, रेंट पे होता है, डेप्रिसिएशन किसी को पे होता है नहीं। तो डेप्रिसिएशन अगर किसी को पे नहीं होता तो इसका क्या मतलब हुआ, डेप्रिसिएशन के ना पे होने का मतलब ये हुआ, अभी नहीं वहां जाए, डेप्रिसिएशन किसी को अगर पे नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह है कि हम किसी को इस वक्त डेप्रिसिएशन का सवाल कहां चला गया, सॉरी यहां आ गया। तो डेप्रिसिएशन अगर किसी को पे नहीं हो रहा तो हम यहां कैश पर प्रॉफिट तो कम कर चुके हैं लेकिन कैश हमारा कम नहीं हुआ। इसके लिए हम ये करते हैं कि देखिए ये अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट का अकाउंट है, पिछले साल ये कितना था 32 और इस साल कितना है 66, तो कितना बढ़ा, 32 से 66 को माइनस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा तकरीबन 34,000। यानी 34,000 वो कैश है जो खर्च नहीं हुआ, इसको वापस प्रॉफिट में ऐड बैक कर दिया जाता है। याद रहेगा हम किसका निकाल रहे हैं, कैश का। तो सबसे पहले ये होता है, ठीक है। इसी के बाद एक और नॉन कैश आइटम होता है और वो डेप्रिसिएशन नहीं होता, वो होता है अमोर्टाइजेशन। जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है टेंजेबल एसेट पे, टेंजेबल का मतलब है बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड। लैंड तो यार अब लैंड में बोला नहीं जा रहा, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता, फर्नीचर, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मशीन, ये टेंजेबल है ना। लेकिन कुछ गुडविल होते हैं, कोई पेटेंट्स होता है, कोई ट्रेडमार्क होता है, ये भी क्या है, फिक्स एसेट है, लेकिन ये टेंजेबल नहीं है, क्या है, इनटेंजेबल। तो जैसे फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, इन पर अमोर्टाइजेशन चार्ज होता है। अब देखो डेप्रिसिएशन भी वैल्यू क्या करता है, कम करता है ना, अमोर्टाइजेशन भी वैल्यू कम करेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन में कॉन्ट्रा अकाउंट रखकर हम उस करते हैं। लेकिन अगर आप यहीं पर चेक करेंगे इसमें देखें, लेकिन मेरा ख्याल है कोई पेटेंट वगैरह है नहीं एसेट्स में, लेकिन अगर होता कोई फिक्स एसेट के दौरान क्या होता, पेटेंट होता, गुडविल होता, ट्रेडमार्क होता और वो बैलेंस कम हो रहा होता तो हम यहां अमोर्टाइजेशन लिखते, ठीक है। अभी अगले सवाल मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन इस सवाल में ऐसा कोई इशू नहीं है। एक मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कोई पिछला सवाल दिखा दूं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, नहीं अभी फौरी तौर पर मेरे दूसरे सवाल में भी मौजूद नहीं है, लेकिन मैं दिखा दूंगा। मगर अभी फिलहाल यहां पर क्या है, जीरो बैलेंस, ठीक है, वरना इस ये भी आता है, ये तो जहन में रहेगा, बाकी कैसे आता है वो हम देख लेते हैं। इसके बाद मजीद हम आते हैं दो बातों पे, दो बातें क्या हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि हम हमेशा इसमें प्लस करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और माइनस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट अदर देन कैश, कैश को छोड़ के अदर देन कैश और वाइस वर्सा। क्या मतलब कि अगर ये इंक्रीज है तो प्लस, लेकिन अगर ये डिक्रीज है तो माइनस, ये इंक्रीज है तो माइनस,
लेकिन अगर ये डिक्रीज है तो प्लस। अच्छा क्यों? लायबिलिटी का बढ़ना, फर्ज करो बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक का शॉर्ट टर्म लोन बढ़ता है, लोन बढ़ने का मतलब है कैश वसूल किया, लोन जब बढ़ेगा कर्जा जब बढ़ेगा तो कैश क्या करोगे, रिसीव करोगे, इसीलिए प्लस कर रहे हैं। जब हमने कर्जा लिया पैसा आ गया। इसी तरह करंट एसेट को अगर हम है मर्चेंडाइज खरीदते हैं तो क्या किया, कैश पे किया, तो कैश क्या हो गया, कम हो गया। इसकी मजीद लॉजिक मेरी दूसरी वीडियो में भी मौजूद है, लेकिन अभी याद रख लें कि किसको प्लस और किसको माइनस। अब यहां से उठाते जाओ, कैश को छोड़ दो, कैश के बाद बताओ अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट है, जरा देखो कितना था, 76 से बढ़ के 88 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 4 और 8 12,000 बढ़ रहा है। हमने क्या लिखा था यहां पर कि इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट एसेट को क्या करेंगे, तो हम यहां लिखेंगे क्या लिखेंगे, माइनस इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, कितना बना 12,000 12,000 को यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। आगे चलिए, उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है वहां पे, ठीक है, नजर आ रहा है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को देखिए, ये 189 से डिक्रीज हो रही है 167, कितना है, ये भी 12 इतफाक से या 22 है, 22,000 है। तो हम यहां अब ये डिक्रीज हो रहा है, लास्ट टाइम इंक्रीज माइनस हुआ था करंट एसेट का, डिक्रीज क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लिखेंगे प्लस डिक्रीज इन मर्चेंडाइज या सिर्फ इन्वेंट्री 22,000 पक्का पॉजिटिव फिगर, ब्रैकेट नहीं लगाया। बोलो ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तीन करंट एसेट थे, कौन कौन से, कैश अकाउंट रिसीवेबल मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, कैश को छोड़ के बाकी दो काम कर दिया। अब आ जाओ लायबिलिटी की तरफ, अब यहां मौजूद है इस वक्त अकाउंट पेएबल, आगे चलो इस पेज पे नहीं, अगले पेज पे आना पड़ेगा, अकाउंट बॉन्ड पेएबल, ये अकाउंट पेएबल है, हाँ सही है, सॉरी, अच्छा ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, शेयर कैपिटल गलत लिखा हुआ है, ठीक है, अकाउंट पेएबल 43,000 से कम होके 39 हो रही है, कितना, 4,000 का फर्क है। जी अब तो सोचो लायबिलिटी के बारे में मैंने क्या कहा था कि लायबिलिटी का इंक्रीज प्लस होगा लेकिन डिक्रीज क्या होगा, माइनस, तो हम क्या कर देते हैं, माइनस डिक्रीज इन अकाउंट पेएबल 4,000, और इसका सिर्फ एक ही अकाउंट पेएबल है और कोई करंट लायबिलिटी नहीं है। अगर आगे जाओगे तो बॉन्ड पेएबल क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, कैपिटल कैपिटल है, रिटेन एंड इंटरेस्ट, अब कुछ नहीं है, बस यही आइटम आपके यहां पे आ जाएंगे। इन सब को आप प्लस करिए, जो प्लस है प्लस कीजिए, जो माइनस है माइनस कीजिए, और निकालिए, इसको नाम देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के नाम से हम याद रखेंगे, ठीक है। इस लम्हे के लिए पॉज कर दो ना। अच्छा, 1,00,000 बोलो, 1,21,000 का कैश फ्लो पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव। अब हम दूसरी एक्टिविटी, इसका नाम है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दो बातें हैं मेन। पहली बात, अगर हम फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं या फिक्स एसेट सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं तो क्या होगा, कैश पे होगा, सेल कर रहे हैं तो कैश क्या होगा, रिसीव होगा। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई कैश के सेल, फिक्स एसेट के सेल होने का जिक्र नहीं है, तो हम सिर्फ यहां जाके देखेंगे कि फिक्स एसेट है मौजूद और उसमें क्या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सबसे पहले तुम लैंड को देखो, लैंड 1,00,000 से कितना हो रहा है, 80,000 बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम यहां लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सेल्स ऑफ लैंड कितने से, 20,000। चलिए मैं एक लाइन है, 20,000 बन रहा है, 20,000 पॉजिटिव। वहीं पर चेक करो, लैंड के बाद इक्विपमेंट मौजूद है, इक्विपमेंट 2,00,000 से बढ़कर 2,60,000 हो रहा है, कितना बढ़ गया, 60,000। यहां पर माइनस क्या लिखोगे, परचेज ऑफ क्या था, इक्विपमेंट, लेकिन इसको आप ब्रैकेट में लिख दो, अगली बात समझ में, कितना हुआ, 20,000 और 60,000 माइनस करते हैं तो 40,000 40 ना जी, ये आ गया, क्या कहलाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब अगली हेडिंग होगी जिसको हम कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले लिखेंगे इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल।
शेयर कैपिटल एक ही बात होगी, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। देखो जाके ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 1,74,000 से 2,16,000 हो रहा है। कैलकुलेटर इस्तेमाल करो, 174 से 216 माइनस करो 26 और 16, 26 10 36 36 सर 5 मिनट लगेंगे सर उनको 42 है सर। ऐसा पॉज करो एक मिनट को, 42 आ रहा कैश फ्लो फ्रॉम आज। दोबारा बोलूंगा कोई मसला नहीं, हो गया शुरू। कैसे निकाला हमने, हमने निकाला शेयर कैपिटल के डिफरेंस से। ईयर के डिफरेंस सुन लो गौर से सब लोग, शेयर कैपिटल में अगर इजाफा होगा या इजाफा नहीं होगा, इजाफा हो रहा है तो यहां आएगा ठीक है, अगर इजाफा नहीं है तो नहीं आएगा। शेयर कैपिटल में कभी भी कमी नहीं होगी, क्योंकि शेयर कैपिटल कंपनी की सूरत में कम अगर हो गया ना तो कंपनी खत्म होने लगी है, इसलिए कभी भी कमी नहीं होगी, या तो बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। बढ़ा तो यहां डिफरेंस लिख दिया 42,000, जो भी डिफरेंस इनका आ रहा है। पहली बात क्लियर हो गई जी सर। दूसरे नंबर पे हम उठाते हैं किसको, लायबिलिटी को, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को। अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इनमें से अगर तुम देखो तो इस वक्त मौजूद है बॉन्ड पेबल। इसका रूल सुन लो गौर से, बॉन्ड पेबल होगा, डिबेंचर पेबल होगा, लॉन्ग टर्म लोन होगा, मोर्गेज पेबल होगा, इस तरह के कई नाम होंगे जो बार बार इस्तेमाल होंगे। लायबिलिटी का बढ़ना कैश जनरेट करेगा, कैसे, कर्जा बढ़ा कर्जा पैसा है, पैसा आया। लायबिलिटी का कम होना क्या बताएगा, कि पैसा कर्जा वापस हुआ। आ रही बात समझ में, जैसे मैंने फिक्स एसेट में समझाया, फिक्स एसेट का बढ़ना परचेज है, फिक्स एसेट का बेचना सेल है। यहां क्या है उल्टा, लायबिलिटी का बढ़ना कैश का आना है, लायबिलिटी का जाना या लायबिलिटी का डिक्रीज कैश का जाना है। इस वक्त एक लायबिलिटी है कौन सी, बॉन्ड पेएबल। तो बॉन्ड पेएबल कितनी थी, 2,00,000, कितना हो गया 1,50,000। तो 50,000 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये रिसीव होगा, पे होगा, पे होगा, पे होगा। तो इसी शेयर कैपिटल के नीचे लिखो क्या, पेमेंट ऑफ बॉन्ड पेएबल, और उसकी वैल्यू 50,000 किसमें, नेगेटिव नेगेटिव। तो पहला शेयर कैपिटल समझ में आया, लायबिलिटी समझ में आया जी। और आखिरी अब एक चीज हमेशा यहां से, क्योंकि देखो जब कैपिटल होता था तो ऑनर का ड्राइंग होता था, जरा सोचो ड्राइंग क्या करता था बिजनेस में, उसका कैपिटल से माइनस होता था आखिर में। यहां ड्राइंग तो नहीं होता, लेकिन यहां पर आएगा हमेशा हमेशा एक वो होगा कैश डिविडेंड। अगर याद करो तो कैश डिविडेंड 39,000 था, जिसको शुरू में हमने रिटेन अर्निंग के अंदर भी लिखा था और सवाल के आखिर में उन्होंने यहां मेंशन भी किया था 39,000 डिक्लेयर्ड एंड क्या, पेड एंड पेड। तो अब आप यहां तक आ गए, कैश डिविडेंड को भी ब्रैकेट में लिखिएगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने टाइम ले लिया, तो मैं एक दफा पूरे उसको रिपीट कर, उसको पहले टोटल कर लो, मुझे बता दो क्या आया, फिर मैं आपको समझाता हूं। अच्छा भाई तुम लोग भी सुन लो, देखो एक मुझसे हमसे शुरू में ही एक मिस्टेक हो गई, हमने जब यहां उठाया ना बेटा, आप लोग सब देख लीजिए, हमने असल में जब ये आप लोगों ने, शायद कुछ बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे उन्होंने पहले ही नोट कर लिया होगा, हमने ये टोटल फिगर उठा ली थी। हालांकि ये टोटल नहीं है, रिटेन अर्निंग का बैलेंस था कितना, 138 और 192। स्टार्टिंग में मैं दूर था, हम लोग देखा नहीं, हमने ये वाली फिगर ले ली। तो मैं देखो सही कैसे कर रहा हूँ, इधर आओ इस तरफ ले आओ, ये मैं 55,000 को काट कर यहां पर ले जाओ, लिखना है मुझे कितना, 1,38,000, और यहां 597 को काट के मुझे लिखना है 1,92,000। तो अब 138 में, बल्कि पहले 39 में 192 ऐड करो, क्या बनता है, 39 प्लस 192 2,31,000, 2,31 इधर भी आ जाएगा ठीक है बेटा। अब अगर 1,38 और 2,31 का फर्क लेंगे, 1,38,000 और 2,31,000 का फर्क लेंगे, तो आपके पास 138 माइनस करो 231 से 93,000 आएगा। सही 93। तो यहां पर प्रॉफिट जो था ना वो मेरा 81 नहीं था, प्रॉफिट कितना था 93। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, बात वही थी, सिर्फ फिगर हमने जो है गलत उठानी थी जिसकी वजह से। तो यहां जब हमने शुरू किया था तो ये 81 लिखा था, इसको 81 नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए कितना, 93,000 ठीक है। तो ये भी 121 नहीं आएगा, क्योंकि ये 12,000 का यहाँ इजाफा है, तो 12,000 यहाँ बन जाएगा और ये 133 आ जाएगा। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये बिल्कुल वही चीज है, वही काम है, बस सिर्फ ये है कि आ जाएगा ठीक है। अब आप
ये हो गई कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये हो गई, लेकिन ये पॉजिटिव है, इसमें कैश आया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमें 40,000 नेगेटिव है, यानी हमने 40,000 रुपए का कोई एक्स्ट्रा खरीदा, और इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी 47,000 का हमने एक्स्ट्रा पे किया, जिसमें देख रहे हैं आप बॉन्ड पेबिल पे हुआ, कैश डिविडेंड पे हुआ, इसको हम कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब उठाइए आप इन तीनों को नेट ऑफ कीजिए, किन तीनों को, 133 पॉजिटिव को 40,000 माइनस कीजिए, 47 माइनस कीजिए, देखिए आपके पास, याद रखिएगा कि ये 133, ये 40 और ये 47, आपके पास 46,000 पॉजिटिव फिगर आ रही होगी, ठीक है, 133 से 87, तो 46,000 पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीज इन कैश। अगर अब आप सवाल सामने रखिए तो आप सब देख सकते हैं कि कैश का बैलेंस शुरू में कितना था, 22,000, कितना बढ़ गया, 68, तो 22 और 68 को अगर फर्क ले लें तो कितना बनता है, 46, तो ये 46,000 इंक्रीज। इसको दिखा इस तरह देते हैं कि इसमें शो करते हैं इसके बाद के प्लस कौन सा बैलेंस, बिगनिंग बैलेंस, और बिगनिंग बैलेंस 22,000 इसमें क्या कर देंगे, प्लस, तो 46 में जब बिगनिंग प्लस करेंगे 8,426,68,000 का कौन सा बैलेंस आ जाएगा, कैश का एंडिंग बैलेंस आ जाएगा, जो कि आपको यहां भी नजर आ रहा है 68। आइए अब मैं आपको एक रिकैप सबको दे देता हूं ताकि सारे एक रिकैप सुन लें तवज्जो के साथ ताकि समझ सके। सबसे पहले हमने कहा कि आज के बाद हमेशा याद रखिएगा चार तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। हमारा बुनियादी ताल्लुक किससे है, अभी हम किसको सीख रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट को सीखेंगे, हम कैश फ्लो पे काम करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए हमेशा जब सवाल होगा तो नॉर्मल हालात में जब एक आसान सिरप में दो अदद कॉलम होंगे, एक होगा लास्ट ईयर का डाटा बैलेंस शीट का और एक करंट ईयर का डाटा, और उसके बाद आपके पास आखिर में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी। अभी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, सब पे नहीं जाना क्योंकि चीजें थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगी, ठीक है, इसमें दो चीजें, हर वो सवाल कर सकते हो जिसमें दो चीजें हों, कौन सी दो चीजें, एक अभी डिविडेंड दिया हुआ है, ठीक है, कैश डिविडेंड आ रहा है, बस ये वाला भी आपने उठाना है, कैश डिविडेंड वाला सवाल उठाएंगे जिसमें लिखा होगा डिक्लेयर और पेड, ठीक है। उसके बाद आपका काम क्या होगा जब आप ये देख लेंगे तो आप सबसे पहले शुरू करेंगे तो एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट आप लोग अभी मैं उस पे नेट पे अपलोड भी कर दूंगा, वहां पर भी फॉर्मेट मौजूद है, या यार किसी जगह से भी उठा सकते हो, लेकिन मसला ये है कि बाज औकात बाज फॉर्मेट थोड़े डिफिकल्ट, यानी डिफिकल्ट ये इस हवाले से कि उसमें सारी चीजें हैं, हमें अभी सारी चीजों की जरूरत नहीं है, जिस चीज की हमें अभी जरूरत है उसके हिसाब से थोड़ा सा फॉर्मेट आसान रख रहे हैं, क्योंकि एक वक्त में सारी चीजों के बम्बार्टमेंट कर दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो अब हम इसी को मांगा क्या उन्होंने, अगर आप देखें तो उन्होंने क्या मांगा था, रिक्वायर्ड भी पढ़ लीजिए, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो शोइंग ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्लियर। तो सबसे पहले हम जब शुरू करने जा रहे हैं तब इधर आ जाइए, हेडिंग डाला, सारा काम किया, तीन एक्टिविटी, एक ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटी नजर आ गई। शुरुआत में अब आपने पहली वाले सेक्शन में याद रखना है तीन चीजें, इस सेक्शन में कितनी चीजें, तीन अभी याद रखने, तीन कौन सी, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट, उसको निकालने का तरीका क्या है कि एक अदद रिटेन अर्निंग का क्या बनाएंगे, टी अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग लिखेंगे राइट हैंड साइड पे, क्लोजिंग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, BDCD, और एक चीज अभी पुट करेंगे कौन सा, कैश डिविडेंड, और फिर इस टोटल करके इधर का टोटल बराबर है इस का डिफरेंस। ये एक और तरीका भी सिखा दूं, इसका एक और तरीका ये हो सकता है कि हम रिटेन अर्निंग का जो भी एंडिंग बैलेंस है उसमें प्लस कर दे कैश डिविडेंड, और उसमें से माइनस कर दे रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस, तब भी हमारे पास प्रॉफिट या क्या आ सकता है, लॉस आ सकता है। रिटेन अर्निंग का एंडिंग अगर आप देखें तो मौजूद था 192,000 प्लस कैश डिविडेंड था 39,000 और बिगनिंग था 138। करिए इसको नेट ऑफ कीजिए, 192 में 39 प्लस कीजिए, 138 माइनस कीजिए, तीन जीरो लगाने की जरूरत नहीं है कैलकुलेटर पे, हाँ माइनस 138 देखिए कितना आया, 90, और पॉजिटिव आ रहा है ना, तो पॉजिटिव आने का मतलब है कि ये क्या है, प्रॉफिट है। अगर यही चीज नेगेटिव आ जाता तो इसका मतलब क्या होता, लॉस। तो एक इस तरह से भी कर सकते हैं सॉल्व, और टी अकाउंट बना के भी कर सकते हैं सॉल्व, प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट को यहां प्लेस किया। तो पहली चीज हमेशा क्या निकालना है, प्रॉफिट।
उसके बाद दो आइटम ऐड करना सीख लो, एक नॉन कैश आइटम डेप्रिसिएशन और दूसरा नॉन कैश आइटम अमोर्टाइजेशन। ठीक है, एक मिनट का पॉज करो। अच्छा, अब एक पॉइंट मैंने समझा दिया था क्या कि हमेशा ऐड करेंगे दूसरी दो चीजों का सेट याद रखो, एक नॉन कैश आइटम डेप्रिसिएशन। अभी पहली चीज सिखा रहा हूं, डेप्रिसिएशन कैसे मालूम होगा, हमेशा क्वेश्चन के अंदर जाना और क्वेश्चन में जाकर अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट देखना कि पिछले साल कितना था और इस साल कितना है, इसमें क्या नजर आ रहा है, जितना इंक्रीज 32 और 66 का डिफरेंस कितना नजर आता है, 34। यहां देखो मैंने 34,000 लिख दिया। अब यहां नेगेटिव में मत लिखना, ये वहां ब्रैकेट में लिखा हुआ था, यहां ब्रैकेट में नहीं, वो तो ब्रैकेट में से लिखा हुआ था कि एसेट्स के साथ है, यहां 34,000। उसके बाद दूसरा कौन सा आइटम है, नॉन कैश आइटम अमोर्टाइजेशन। अच्छा, अब अमोर्टाइजेशन चूंकि इस सवाल में नहीं था तो मैं पीछे एक सवाल से दिखाना चाहता हूं कि देखिए कैसे पहचानिएगा। ये भी कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसमें अगर आप देखिए तो जहां इक्विपमेंट है उसके नीचे क्या मौजूद है, पेटेंट। अगर इधर देखिए तो पेटेंट कितना था, ये था पिछला साल 15 और ये था 16, कितना था 50 और कितना है ये 40, कितने का डिक्रीज आ रहा है 10,000। अगर यही चीज वहां होती तो हम यहाँ पे नॉन कैश आइटम अमोर्टाइजेशन में कितना लिख देते, 10,000। बोलो आगे बात समझ में। तो नेट प्रॉफिट में दो चीजें ऐड हो गई, एक कौन सी चीज डेप्रिसिएशन, दूसरी कौन सी चीज अमोर्टाइजेशन। ठीक है, अगला स्टेप हमारा ये होगा कि हम सवाल में अपने बैलेंस शीट में तलाश करेंगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट कैश को छोड़ के, अच्छा बातों का सवाल आता है कैश को क्यों छोड़ दें सर, बात यह है कि हम कैश फ्लो का स्टेटमेंट बना रहे हैं तो कैश का इंपैक्ट खुद वाला नहीं लेंगे इसलिए कैश को छोड़ देंगे। ठीक है, तो कैश को छोड़ के जो जो करंट एसेट में इंक्रीज है वो माइनस होगा और जो डिक्रीज है वो प्लस होगा। जो लायबिलिटी है करंट लायबिलिटी उसका इंक्रीज प्लस होगा और डिक्रीज माइनस होगा। अब इस वक्त मैं सिखा चुका हूं, अकाउंट रिसीवेबल का इंक्रीज था, इन्वेंटरी का डिक्रीज था, अकाउंट पेबल का डिक्रीज था, ये तीन ही थे। अच्छा, यहीं पर एक आ जाएगा कभी अलाउंसेस फॉर बैड डेट, अलाउंसेस फॉर बैड डेट भी करंट एसेट की तरह है लेकिन चूंकि वो करंट एसेट का उलट होता है तो उस पर हमेशा लायबिलिटी वाला रूल अप्लाई होगा। ये प्लस किया और ये निकाला क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहला सेक्शन हो गया, पहले सेशन की तीन बातें हो गई, नेट इनकम, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन और करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज। फौरन आ गए दूसरी एक्टिविटी में, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा, दो बातें अभी समझ लो, या तो परचेज होगा या सेल होगा फिक्स एसेट का। परचेज होगा माइनस में लिखना, सेल होगा प्लस में लिखना। कैसे पता चलेगा, फिक्स एसेट का इंक्रीज परचेज बताएगा, फिक्स एसेट का डिक्रीज सेल बताएगा। ये सादा सी बात अभी है, आगे जाके थोड़ा सा बातों में चेंज आएगा लेकिन अभी फौरी तौर पे यही है। कैश फ्लो फ्रॉम फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फिर बातें हैं, तीन बातें हैं अगर बात बल्कि यूं कह लो कि दो बातें हैं शेयर से रिलेटेड, दो बातें, एक शेयर कैपिटल या तो इंक्रीज होगा या इंक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। इसी से रिलेटेड दूसरी बात, हमेशा कैश डिविडेंड आएगा अगर है तो, और नॉर्मली कैश डिविडेंड लाजमी ही होगा ज्यादातर, तो शेयर कैपिटल हमेशा पॉजिटिव आएगा और कैश डिविडेंड हमेशा नेगेटिव आएगा। ये दोनों अपनी जगह सिंगल सिंगल है, इसमें कोई डबल इफेक्ट नहीं इन्वॉल्व है। कैश डिविडेंड ने हमेशा लेस होना है, शेयर कैपिटल ने ऐड होना है, ऐड नहीं होना तो नहीं होना है। और आखिर में कोई भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के लिए फिर वही फिक्स एसेट, लेकिन उल्टा कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बॉन्ड पेबल डिबेंचर पेबल अगर बढ़ रही है तो कैश का इनफ्लो, कम हो रही है तो आउटफ्लो। और इस सवाल में आपने देखा था कि बॉन्ड पेबल कम हो रहा था पिछले साल के मुकाबले में, आप देख सकते हैं। दोबारा अगर आपको दिखा दिया जाए, कौन सा सवाल था भाई, ये रहा अगले पेज पे, ये देखिए बॉन्ड पेबल 2,00,000 से कितना हो जा रहा है, तो हम यहां पर इसको लिखेंगे पेमेंट ऑफ बॉन्ड पेबल। अच्छा, अगर ये उल्टा हो जाता, 2,00,000 इधर होता, 1,00,000 इधर हो जाता, 1,50,000 इधर होता, तो 50,000 से रिसीव होता, तो हम वहां लिखते हैं इश्यूएंस ऑफ बॉन्ड पेबल। समझ गए, बॉन्ड पेबल लायबिलिटी का यही रूल है, कम होगा तो पेमेंट, बढ़ेगा तो इश्यूएंस। इस वक्त कम हो रहा था, देखिए अब आप वापस आ जाइए, मैंने लिखा है पेमेंट ऑफ बॉन्ड, तो ये निकाला, तीनों को नेट ऑफ किया। अब ये लाइन लगाना नहीं है, सिर्फ तुम लोगों को समझाने के लिए लगाई है, तो आखिरी बैलेंस वही आना चाहिए जो आखिरी डिफरेंस है। ठीक है, दैट्स ऑल। ये पहला कैश फ्लो का सवाल आपके समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह ताला, देख लीजिए। थैंक यू।